संजय दत्त ने अपने एक इंटरव्यू में अपने पिछले जन्म की एक कहानी सुनाई जो न सिर्फ हैरान करने वाली थी बल्कि दिलचस्प भी थी। संजय दत्त ने बताया कि वो अपने दोस्त के साथ मद्रास से 2 घंटे की दूरी पर शिवनेरी गए थे, जहां एक जाने माने ज्योतिष होते थे। ज्योतिष ने उनकी जिंदगी से जुड़ी कई सारी बातें बताई। कुछ बातें ऐसी भी थी जिसे सुनकर खुद संजय दत्त भी हिल गए थे। संजय दत्त ने आगे बताया कि शिवनेरी एक छोटा सा गांव है जहां स्टार के नाम पर वहां सिर्फ रजनीकांत के बारे में ही जानते हैं। उस ज्योतिष ने संजय दत्त के बारे में बताया था कि उनके पिता का नाम बलराज दत्त है। तब संजय दत्त ने ज्योतिष से कहा कि नहीं, सुनील दत्त है। फिर ज्योतिष ने संजय दत्त की माँ के बारे में बताया कि उनकी माँ फातिमा हुसैन है। संजय दत्त हैरान रह गए कि ये क्या हो रहा है। आगे संजय दत्त बताते हैं कि ज्योतिष ने उनसे कहा कि वो पिछले जन्म में एक राजा हुआ करते थे और उनकी पत्नी ने मंत्री के साथ मिलकर उन्हें युद्ध में भेज दिया ताकि वो कभी वापस ना आ पाए, लेकिन वो युद्ध जीत गए और वापस लौटे। और वापस आने के बाद राजा ने जब सच्चाई देखी कि उनकी पत्नी स्वांग रच रही थी तो उन्होंने गुस्से में पत्नी और मंत्री दोनों को मार दिया। ज्योतिष आगे बताते हैं कि तुम पिछले जन्म में शिव भक्त हुआ करते थे और तुमने खून करने के बाद जंगलों का रुख किया। संजय दत्त को उस ज्योतिष ने बताया था कि पिछले जन्मों की उनकी तपस्या और दुखों की वजह से इस जन्म में उन्हें सुख संपत्ति से भरे परिवार में जन्म हुआ है।